5 फरवरी 2014 कोलकाता, यही तारीख थी जब बंगाल की राजनीति के केसरिया सूरज के उदयीमान होने का इशारा मिला था। पांच फरवरी 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में पहली रैली की थी। विशाल जौन समुद्रों के देखे अमार हृदयो मन आनंदे बोलते चाय, अमार सोनार बांगला, आमी तुम्हारे भालोबासी। और यहीं से बंगाल की राजनीति बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। बंगाल की इस रैली में उमड़े जन सैलाब ने बता दिया कि बंगाल की राजनीति वाम से जय श्री राम का आकार ले चुकी है। बंगाल परिवर्तन के लिए व्याकुल है। हम राजनीति में बदले की भावना से नहीं आए, हम बदलाव के लिए आए हैं। 2014 से पहले बंगाल की जमीन बीजेपी के लिए ऊसर थी। 3 दशक तक लेफ्ट की निर्बाध सत्ता के बाद ममता बनर्जी की आक्रामक राजनीति की छत्र छाया में कमल खिलाना आसान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की बदौलत बंगाल में केसरिया बयार बहनी शुरू हो चुकी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हो पाई, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 17% से ज्यादा हो गया। ये बात तय हो चुकी थी कि बंगाल का वोटर मन बना चुका है। 2 साल बाद 2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी को 10% वोट हासिल हो पाए, लेकिन बीजेपी का मिशन बंगाल जारी रहा। और फिर आया साल 2019। ममता दीदी ने सोनार बांगला को कंगाल बांगला बना दिया है, कंगाल बांगला। आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंगाल की कमांड दे दो, 5 साल में हम सोनार बांगला बनाकर आपको दिखाएंगे। ममता दी कहती थी डिपॉजिट बता लेना, जमानत बचा लेना। ममता दी आंकड़े देख लीजिए, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने वाली। बंगाल की राजनीति के सिरे को समझ चुकी बीजेपी की नजर रॉयटर्स बिल्डिंग पर थी। बीजेपी अब पूर्वी भारत के सबसे अधिक लोकसभा और विधानसभा सीट वाले राज्य पर केसरिया परचम लहराने के मिशन पर थी। ये वो रॉयटर्स बिल्डिंग है जहां से बंगाल की हुकूमत चलती है। इस बिल्डिंग पर कभी लेफ्ट पार्टियों का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन सालों के लंबे सियासी संघर्ष के बाद बेहद ही मुश्किल से ममता बनर्जी इस बिल्डिंग पर काबिज हो पाई। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए ममता बनर्जी को कई बार अपमानित भी होना पड़ा, लेकिन 10 साल तक बंगाल की हुकूमत में काबिज रहने के बाद ममता बनर्जी को अब उनके ही गढ़ में बीजेपी और नरेंद्र मोदी से कड़ी चुनौती मिल रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी ने जाहिर कर दिया था कि उसका अगला टारगेट ये बिल्डिंग पर काबिज होना है, और इस बिल्डिंग पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने पूरे बंगाल को केसरिया रंग की प्रयोगशाला बना दिया है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए प्रयोगशाला, पॉलिटिकल लेबोरेटरी ऑफ ईस्ट। 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी को बंगाल दुर्ग पर कब्जे का मौका दे दिया। अब बीजेपी बंगाल को लेकर आक्रामक हो गई। ने कहा है कि वो मोदी को थप्पड़ मारना चाहती है। ओ ममता दीदी, मैं तो आपको दीदी कहता हूं, आपका आदर करता हूं, आपकी थप्पड़ भी
मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। 2019 में बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 से ज्यादा रैलियां की, बंगाल का कोना कोना छाना। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने बंगाल की लगभग सभी सीटों को कवर किया। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में भीड़ उमड़ती। जय श्री राम के नारे लगते, प्रधानमंत्री मोदी कहते कि दीदी की कुर्सी जाने का टाइम आ चुका है। और दीदी, इतनी बदनामी मोलने के बाद भी ये जनता का प्यार तो देखो जरा। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। राजनीति में जमीन खिसकना क्या होता है, अगर किसी को समझना हो तो दीदी की बौखलाहट, दीदी का गुस्सा इतने से ही समझ सकता है। हुगली के किनारों को छूकर आती हवा बंगाल में कमल खिलने का इशारा दे चुकी थी। ममता बनर्जी को एहसास हो चुका था कि बंगाल के मानुष का मन केसरिया रंग में रंगने वाला है, और ऐसा ही हुआ। 2019 में बीजेपी ने बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल कर ली। टीएमसी 22 सीटों पर ही जीत पाई। टीएमसी को जहां 43.3% वोट मिले, तो बीजेपी ने 2014 के मुकाबले 23% का इजाफा करते हुए 40.3% वोटों पर कब्जा कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात बदल दिए। 10 साल पहले तक जो बीजेपी बंगाल की सियासत में हाशिए पर थी, वो अब टीएमसी के गले तक पहुंच चुकी थी। बंगाल में जय श्री राम के नारे लग रहे थे, ममता बनर्जी के सामने लग रहे थे, दीदी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। सियासत गुंजाइश देखती है, नफा नुकसान देखती है। राजनीति का तकाजा है नेता नाप तौल कर बोलते हैं। कोलकाता के किनारों से ममता बनर्जी डायरेक्ट दिल्ली की सत्ता को चुनौती देती हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलती हैं। बीजेपी अध्यक्ष पर निशाना साधने के लिए शब्दों की मर्यादा लांघ देती हैं। ममता के गुस्से से, ताव से, आक्रमण से, बंगाल की रक्त रंजित राजनीति से बीजेपी बावास्ता हो चुकी है। इसलिए हर हाल में बंगाल फतेह की बीजेपी ने ठान ली है। लेकिन क्या यह मुमकिन होगा? क्या दीदी का दुर्ग ढहाना इतना आसान है? बंगाल विजय के लिए बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है? अगले एपिसोड में देखिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।